नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे वारे आता वाहू लागलेले आहेत ला आणि जसे हे वारे प्रकर होऊ लागले आहेत त्याचप्रकारे नवी मुंबईतील बहुतांश राजकीय नेते जे विद्यमान नगरसेवक आहेत किंवा नगरसेवक नाही आहेत किंवा ते इच्छुक आहेत नगरसेवक त्यांची प त्या ते, पक, ते पक्षांची अदलाबदल करण्यासाठी त्यांची सुरुवात झालेली आहे आणि आत्ताच नुकतंच दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे वर्षाच्या शेव सरसे सरतेशेवटी एका नगरसेवकाने ज्या परिवाराने शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे भारतीय जनता पार्टीला रामराम ठोकून परंतु हा रामराम जो ठकल्या टो ठोकलेला जो नगरसेवक आहे तो गणेश नाईक जे ऐरोलीचे आमदार आहेत गणेश नाईक यांचे खंदे समर्थक म्हणून मानले जायचे असे नवीन गवते आणि त्यांचा परिवार असे एकूण तीन नगरसेवक गणेश नाईक यांची साथ सोडून भारतीय जनता पार्टीची साथ सोडून शिवसेनेमध्ये दाखल झालेले आहेत मात्र ते शिवसेनेमध्ये दाखल का झाले का किंवा त्याच्या पाठीमागे काही राजकीय षडयंत्र आहे का किंवा ते स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी किंवा कोणत्या कायद्या सुव्यवस्थेमध्ये अडकू नये यासाठी ते शिवसेना दाखल झालेले आहेत का याविषयी असे खूप सारे अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते आणि आहेतही याची शहाणिशा करण्यासाठी किंबहुना असाही एक प्रश्न निर्माण झाला आहे की त्यांच्यावर कोणता तरी गुन्हा दाखल ऑलरेडी आहे आता पुन्हा गुन्हा दाखल झालेला होता त्याच्यापासून ते फरार होते आणि या फरार त्या अटकेपासून त्या गुन्ह्यामध्ये अटक होण्यापासून वाचासाठी त्यांनी पक्ष सोडलेला आहे असंही सांगितलं जाते मात्र नक्की ह्याच्यामागे काय मेघ आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत राजू मिश्राजी जे राजू मिश्रा ज्यांनी दिगामधलं अनधिकृत बांधकामाचं प्रकरण बाहेर काढलं हायकोर्टामध्ये ती केस चालवलो आहे प्रशासनाशी राज्यासाठी जे लढत आहेत त्यांना नक्की विचारून घेऊ नक्की हे जे पक्ष बदलीचं राजकारण झालं दिगा विभागामध्ये ते नक्की काय होतं मिश्राजी मुझे बताएंगे की क्या एक्झॅक्टली आपल्याला क्या लगत आहे की जो नवीन गौते जी है जो बीजेपी के साथ थे मतलब राष्ट्रवादी से गणेश नाइक जी के साथ वो बीजेपी में आए और वो बीजेपी से भी शिवसेना में चले गए तो इसके पीछे का पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या बताओगे देखिए मैं तो सबसे पहले एक चीज़ जो कहना चाहूँगा कि मुझे वो क्षण जो मैंने देखा कि सी उद्धव ठाकरे साहब के पास राजेश गौते उनकी वाइफ और अपर्णा गौते जी ये तीनों लोग खड़े होकर करके कर सी उनका स्वागत कर रहे हैं शिवसेना में ये क्षण और उनके साथ नगर विकास मंत्री एक नाथ सिंधे साहब खड़े हैं ये क्षण मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि एक नाथ सिंधे साहब स्वयं नगर विकास मंत्री हैं और सी जिनके हाथ में इस पूरे राज्य की लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के पूरी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके ऊपर है वो विधि मंडल के सर्वोच्च हैं वैसी स्थिति में एक सी एम, एक आरोपी का एक अपराधी का अपने घर में स्वागत करता है शिवबंधन बांधता है ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था क्योंकि मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के लोग बहुत ही ज़्यादा कानून पसंद लोग हैं मैंने जहाँ तक अनुभव किया है अपने 22 साल के इस महाराष्ट्र के रहवासियों के दौरान तो मुझे ये लगता है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सी और एक नगर विकास मंत्री उन आरोपियों का स्वागत कर रहा है जो लोग नगर विकास के नियमों का उल्लंघन किए हैं जिन पर 20-20 मुकदमे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिनका भाई जो नवीन गौते का आप जिक्र कर रहे हैं उनके ऊपर 30 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और अगर उनको स्वागत हमारे सीएम के हाथों तो हो रहा है तो ये एक बहुत दुर्भाग्य छून रहा है मेरे लिए दूसरा बात आपको मैं जो बताऊं जो आप पूछना चाह रहे हैं कि, कि इसके पीछे आपको क्या दिख रहा है आप ये जानते हैं कि दीघा में जो अनाधिकृत बांध काम किए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये चौल और झोपड़पट्टी का निर्माण नहीं है ये बहुमंजली इमारतों का निर्माण है मेरा ही लड़ाई इसी बात को लेकर की थी मैं गरीबों के खिलाफ कभी नहीं था मैं उन लोगों के खिलाफ था जो बहुमंजली इमारतें सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करके बना रहे थे और लोगों को बेच रहे थे और उसके बहाने करोड़ों रुपए की आय कर रहे थे उसमें उस केस में जो सबसे मेन एक्यूज है वो है नवीन गौते और उनका पूरा परिवार राजेश गौते अमर गौते अपर्णा गौते ये सब सबके नाम पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इलीगल प्रॉपर्टीज़ की भरमार है उनके पास और मेरे पास सबके लिस्ट हैं कि कौन कौन सी इलीगल प्रॉपर्टीज उनके पास हैं ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने हाई कोर्ट में गया आपको पता है मैं हाई कोर्ट में गया हाई कोर्ट ने मेरे पिटीशन को कितना गंभीरता से सुना है आपने जान आप लोगों को पता है इतना तक हुआ कि सर राज्य सरकार को मजबूर होकर के एक एक्ट एक बनाना पड़ा रेगुलराइजेशन का वो भी मैंने चैलेंज किया वो एक्ट भी डीवार हुआ ये सारी चीज़ें करने के बाद वो आदमी जिसको आप बोल रहे हैं कि उसने शिवसेना ज्वाइन किया उसको उसकी जरूरत यह है कि वो सत्ता पक्ष के साथ रहे अगर वो सत्ता पक्ष के साथ नहीं रहेगा तो उसकी जितनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है या उसने जितने भी अवैध निर्माण कार्य वगैरह किए हैं या जिस तरह का भूमाफिया वो है उसको बचने का मौका सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ ही रहने से हो सकता है आपको याद होगा जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे तो यही आदमी देवेंद्र फडणवीस के दरवाजे पर राष्ट्रवादी में होने के बावजूद वो खड़ा रहता था और उसके साथ फोटो निकलवाया करता था कि देवेंद्र फडणवीस उनको बीजेपी में जा रहे हैं वेलकमिंग करने को तैयार हैं इस तरीके की चीज़ें थी तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसको वेलकम कर रहे हैं कोई भी पार्टी किसको वेलकम कर रही है अरे ये नवी मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय एक तरह से वही पवित्र प्रांगण है जिस तरीके से विधान भवन है आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर पालिका के कायदा और कानून की रक्षा करने के लिए यह सब लोग बैठे हैं और वहाँ पर जो आदमी पालिका के कानून का इतना खुलेआम उल्लंघन किया हो जिस पर इतने बड़े बड़े आरोप हों और वो आदमी का वेलकमिंग किया जा रहा है नगर विकास मंत्री के द्वारा सीएम के द्वारा ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मिश्रा जी मैं बताना चाहूँगा कि जब उन्होंने प्रवेश किया अपर्णा गौते मैडम जो नगर सेविका है नवीन गौते जी की बीवी है उन्होंने कहा था उनके मीडिया को जो उन्होंने बताया फीडबैक में कि हमारे दिगा का जो अनधिकृत काम जो मामला है वो ये शिवसेना में जो सत्ताधारी है ये सलटाएगी ये एक सॉर्ट आउट करेगी ऐसा उन्होंने कहा इसके लिए वो शिवसेना में जा रहे ऐसा उन्होंने कहा इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे अभी मुझे तो यह लगता है कि एक अपराधी कहे कि हमको कोई बचाएगा इसके लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ तो जो आदमी के जिम्मे कंधों पर पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है क्या वो अपराधियों को बचाने के लिए है या अपराधियों को सजा देने के लिए सीएम किस लिए हैं अपराधियों को बचाने के लिए अपराधियों को सजा देने के लिए नगर विकास मंत्री किस लिए हैं नगर की रक्षा करने के लिए या नगर को लुटाने के लिए ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है ये समझने वाली बात है मुझे सबसे बड़ा बात ये लगता है कि आज के समय में राजनीति में कोई कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो भले उसको सीट वो जीतने का काबिलियत रखता हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दैत्य को किसी राक्षस को आप जीतने देंगे रावण भी श्रीलंका में अपने आप में राजा था लेकिन उसका संहार करना पड़ा था सत्य की लड़ाई में इसको मानना पड़ता है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो अगर वो गलत है चरित्रहीन है या नैतिक नैतिकता उसके पास नहीं है तो वैसे लोगों को आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो और मैं तो शिवसेना से मैं तो बिल्कुल जो लोग कहते हैं कि शिवशाही की राज शिवशाही की राज का मतलब होता है शिवाजी महाराज का राज जहाँ गलत को पनिशमेंट था रिवार्ड नहीं था और उस शिवसाही की बात करने वाले लोग आज गलत को अपने यहाँ रिवार्ड दे रहे हैं पनिशमेंट ने मिश्रा जी और एक बात है कि आप मतलब आप दीघा के जनता को क्या बताना चाहोगे कि नवीन गौते जी जो अनधिकृत उनका जो मामला है वो सल्टाने के लिए शिवसेना में गए उनका पूरा परिवार इसके ऊपर कितना विश्वास रखना चाहिए करके इसके बारे में आप जनता को क्या बताओगे देखिए दीघा के लोगों की अब तो दिक्कत क्या है कि उनकी अब मजबूरी हो गई है मजबूरी ये है कि कुछ बिल्डिंगे आपको पता है सौ से ज़्यादा अवैध बिल्डिंगें बनी हैं अब उसमें मान लो बीस बीस परिवार भी रहते हैं तो आज के समय में दो हज़ार परिवारों के जिंदगी की बात है अब उनको ये लगता है कि उनको कोई भी प्रोटेक्शन देता है तो वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको अपना घर बचाना है उनको अपने घर के संरक्षण की, की ज़िम्मेदारी है तो मैं उनका कोई दोष नहीं मानता वो अगर नवीन गौते को दोबारा तिबारा भी चुन के देंगे तो भी मैं उनका दोष नहीं मानूंगा क्योंकि उनकी मजबूरी है लेकिन वही दीघा के लोग हैं जिन्होंने मोरेश्वर अपार्टमेंट में रहने वाले मेरे पास अभी आप कहेंगे तो मैं सात आदमी का बयान दिखा सकता हूं जिन्होंने ये बयान दिया है पुलिस के सामने कि किस प्रकार नवीन गौते ने उनको फर्जी कागजात लगा कर करके उनको मकान बेचा है अपने बनाई हुई बिल्डिंग में और उसके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने वो सारे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पुलिस को सौंपे हैं ऐसी स्थिति में ये आदमी कॉरपोरेटर कैसे है आपको पता होगा तुकाराम मुंडे साहब ने इसका डिस्कवालीफाई पूरे परिवार को तीनों नगर सेवक को डिस्कवालीफाई किया है उन्होंने वो लोग हाईकोर्ट में जाके इंटरीम रिलीफ लेकर के आज नगर सेवक पद पर बने हुए हैं या बने हुए थे आपको मैं बता दूं मुझे थोड़ा सा इस मामले में दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे मामलों में हाईकोर्ट को इतना लंबा इंट्रीम रिलीफ नहीं देना चाहिए मेरा का नाम ये है कि अगर कमिश्नर हैज नो पावर ये लोग चैलेंज कहते हैं कि कमिश्नर को पावर नहीं है तो मेरा का नाम ये कि कमिश्नर को पावर है कि नहीं है इसको डिसाइड करने में हाईकोर्ट को चार साल लगेगा चार साल तक आप किसी को इंट्रीम देंगे वो जाकर करके अपने पद पे बैठा रहेगा और तब तक वो इस नगर के साथ नाइंसाफ़ी करता रहेगा इस नगर के नियमों को धज्जियाँ उड़ाता रहेगा ये मेरे लिए थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मेरा ये कहना मैं कि अगर माननीय उच्च न्यायालय जिनको भी इंट्रीम देती है उसका एक टाइम बॉन्ड होना चाहिए किसी भी केस में छः महीना आठ महीना तीन महीना दो महीना इससे ज़्यादा इंट्रीम नहीं दिया जा सकता है चार चार साल इन ट्रीम जी मुझे बताइए नवीन गौते और उनका फैमिली अगर पूरे तरीके से शिवसेना में जा रहे जो अभी सत्ता में है महाविकास आगाड़ी में अपने स्टेट में क्या दिगा का जो अनधिकृत का जो मामला है सलटाया जाएगा या वो अधिकृत या रेगुलर की जाएगी ऐसा आपको लगता है देखिए एक चीज़ आप समझ लो जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है रेगुलराइज करना वो बिल्कुल संभव नहीं है आपको पता है ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक्ट भी बना दिया था सब कुछ हो गया एक्ट को आपको पता है एक्ट को हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया उसमें हाई कोर्ट ने जो कंडीशंस लगा दिए उस एक्ट में ये कभी भी रेगुलराइज नहीं हो सकते हैं उसके बाद मेरा जो जनहित याचिका था वो तो छोड़ दो सुप्रीम कोर्ट ने दो में दीपक गुप्ता की बेंच ने जो एक ऑर्डर पास किया है महाराष्ट्र को लेकर ओनली महाराष्ट्र को लेकर के वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बाद तो रेगुलराइज होने का कोई गुंजाइश नहीं है एक ही गुंजाइश है कि जितनी भी ये जो मल्टी स्टोरेज इलीगल बिल्डिंग्स बनी हैं इनको पहले आप डिमोलिश करें पहले डिमोलिश करना पड़ेगा उसके बाद गवर्नमेंट भले फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो सारा लैंड जो है या तो गवर्नमेंट खुद अपने ताबे मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट दीघा के पूरे रहीवासियों को मेरी डिमांड है कि दीघा के पूरे रहीवासियों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट मकान बना के दे दे या लाख दो लाख रुपया उनसे ले ले गवर्नमेंट और उनको पूरी तरीके से रेगुलराइज करके एक मिनिमम जो एरिया होता है जैसे सवा तीन सौ स्क्वायर फीट चार सौ स्क्वायर फीट उसका एक मकान सबों के नाम पर जिनके जिनके नाम पर वहाँ मकान है उनको उनको एक एक मकान गवर्नमेंट अलॉट करने का प्लान करे और पूरे जो अभी इलीगल स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करे और वहाँ पर उस तरह की बिल्डिंग बनाए लेकिन ये होने नहीं देंगे लोग क्यों नहीं होने देंगे आपको मैं बताऊँ अगर नवीन गौते के परिवार की आप बात करेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उनके कम से कम डेढ़ सौ रूम डेढ़ सौ रूम उनके खुद के परिवार के जो बेनामी करके उन लोगों ने रखा है जैसे आप उनके कार्यकर्ता हैं तो आपके नाम पर ये कार्य करता तो उनके नाम पर कोई फर्म के नाम पर किसी ऐसे नाम पर डेढ़ सौ से ज़्यादा रूम की लिस्ट मेरे पास है जिसमें वो लोग इस तरीके से कब्जा जमाए हैं तो उनको चार स्क्वायर फीट का मकान लेने से कैसे काम चलेगा तो ये लोग वही लोग हैं जो सामान्य दीघा के जो रहिवासी हैं उनको न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा लश्ट उसमें डैमेज हो रहा है इसलिए मैं कहता हूं गवर्नमेंट को कुछ भी करना है मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं मैं झोपड़पट्टी धारकों के साथ खड़ा हूं मैं स्लम चौल के लसात खड़ा हूं मैं दीघा के जो बहुमंजिली इमारत में लोग रहते हैं उनके साथ खड़ा हूं मैं कहता हूं गवर्नमेंट को कि आप रेगुलराइज करो लेकिन रेगुलराइज करने का तरीका टाउन प्लानिंग के नियम के अनुसार होना चाहिए मिश्रा जी मुझे बताइए इसका मतलब ऐसा हम लोग अंतिम समझे कि नवीन गौते और उनकी फैमिली जो शिवसेना में ज्वाइन हुई है वो खुद के स्वार्थ के लिए ज्वाइन हुई है तो उसमें उनका स्वार्थ क्या रहेगा देखिए उनका सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है इलीगल प्रॉपर्टीज अभी आप देखो मोनिस बार आप देख लो उनका वाइन शॉप देख लो उनका दो दो तीन तीन अपार्टमेंट्स देख लो उसके बाद उनके जो सब जगह पे रूम्स हैं सारे बिल्डिंग्स में जो दो रूम चार रूम पच्चीस रूम बाईस रूम ऐसे भी उनके पास है तो वो सारे रूम की रक्षा हो जाए और एज इट इज़ गवर्नमेंट रेगुलराइज कर दे जिससे कि उनकी प्रॉपर्टी बची की बची रह जाए वो उनका पूरा मकसद है और वो उसी सामान्य दीघा के नागरिकों को यह समझने का मौका ही नहीं दे रहे हैं उनको मेरे को पूरा दीघा वासियों के बीच में दुश्मन बना के रखे हैं जबकि मैं कहता हूं कि मैं दीघा वासियों के रेगुलराइजेशन का सबसे बड़ा समर्थक हूं और मेरे पीआईएल में इस बात की जिक्र है कि दीघा वासियों के जो लोग सामान्य लोग हैं जिन्होंने वहां पर ख़रीदारी की है या जिनका चाल था या जिनका झोपड़ी था उनको न्याय मिलना चाहिए ये मिश्रा जी मिश्रा जी मुझे बताइए कि अगर शिवसना में नवीन गौते उनका परिवार जाता है तो उनके ऊपर जो मामले दर्ज है जो कानूनी मामले दर्ज है क्राइम के या जो हम लोग बोलते हैं कि मतलब फंसाया गया है या 420 के जैसे अलग अलग मामले उनके उनके बारे में जो दर्ज है क्राइम क्राइम के कानून के तहत अलग अलग आईपी आईपीसी कलम के कि उससे भी उनको छुटकारा मिलेगा भविष्य में या अगर शिवसेना उस में आ जाते जा गए हैं तो देखो आप एक चीज़ तो जानते हो प्रोसिक्यूशन कब स्टैंड करता है कोर्ट में जब पुलिस की जाँच प्रणाली मजबूत होती है जब पुलिस की जाँच प्रणाली मजबूत होती है तो प्रोसिक्यूशन स्टैंड करता है कोर्ट में इनको फ़ायदा ये जरूर मिल सकता है या मिल रहा है पहले भी कि जब जब ये सत्ता के साथ रहे हैं पुलिस का जो वो अपना जो जांच प्रणाली होता है मजबूत तरीके से वो कमज़ोर हो जाती है और उसी का फायदा लेकर के ये लोग तीस तीस आपराधिक मुकदमे होने के बावजूद आसानी से आपको मर्सिटीज़ में चलते हुए दिखाई देते हैं ये इसका कारण यही है कि ये सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं सत्ता पक्ष के दबाव के कारण पुलिस जो है वो इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट नहीं करती है जो इंक्वायरी रिपोर्ट सही माने में इनके लिए सबमिट करना चाहिए और जिसके चलते न्यायालय में इनको फ़ायदा मिलता है मेरे को अगर कोई कहे तो मैं ऐसे अनेकों एविडेंस पुलिस को दे सकता हूं कि अगर वो एविडेंस शामिल कर ले पुलिस तो ये में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सजा से बच जाएगा और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर कोर्ट में अगर स्पीड इंक्वायरी या स्पीड ट्रायल की बात चले स्पीड ट्रायल की बात चले तो छः-छः महीने में ये सब जेल के अंदर होंगे और इनमें से किसी को कोई बाहर नहीं निकाल सकता शुक्रिया मिश्रा जी तर अपन तरह अश राजीव मिश्रा जी चर्चा के लिए की नवीन गौते जे गणेश नाईक यांच्यासोबत राष्ट्रवादीतून भारतीय जनता पार्टीमध्ये आले आणि भारतीय जनता पार्टीमधून नवीन गवते आणि त्यांचा परिवार आता शिवसेनेमध्ये दाखल झालेला आहे मात्र शिवसेनेमध्ये दाखल झाल्यावर त्यांनी त्यांच्या परिवारातील काही नगरसेविका होत्या त्यांनी असं स्टेटमेंट केलं होतं की दिघावासियांचे जे अनधिकृत बांधकामाचा जो विषय आहे तो आम्ही सॉर्ट आऊट करण्यासाठी तो सॉल्व्ह करण्यासाठी राजस्थानच्या मध्ये राजस्थानामध्ये जे काही आत्ता सत्तेमध्ये आहे पक्ष त्यांच्यासोबत गेल्यावर तो सॉर्ट आऊट होईल तो तो जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व्ह होईल असं त्यांनी सांगण्यात आलेलं मात्र राजीव मिश्रा यांच्याशी आपण जी चर्चा केली आता ही चर्चा घडून आणली आम्ही पालिका प्रशासनाने तर त्याच्यामध्ये असं क्लिअर कट समजलं समजलं जाते आहे की नवीन गौत आणि त्यांचा परिवार हा दिगा वासियांसाठी नव्हे तर स्वतःला पोलीस कारवाईपासून वाचवण्यासाठी स्वतःला आणि स्वतःच्या परिवाराला पोलीस कारवाईपासून वाचवण्यासाठी त्याचप्रकारे न्यायालयीन कारवाईपासून वाचवण्यासाठी राज्य हस्त्याच्या स मध्ये सामील असताना शिवसेनेमध्ये दाखल झाला आहे जेणेकरून आता अशा पक्षाकडून म्हणजे राज्य म्हणजे जो पक्ष सामील असो राजकीय पक्ष त्यांच्यामार्फत पोलिसांवर किंवा न्याय यंत्रणेवर दबाव टाकला जातो आणि अशा रा नवीन गवत्या आणि नवीन गवत्यांचा परिवार हा मोकाट स्व तसाच फिरत राहणार आहे दिगावासियांचा ह्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा फायदा होणार नाही आहे जो काही फायदा होणार आहे जो काही स्वार्थ आहे तो नवीन गवते आणि नवीन गवते यांच्या परिवाराचा आहे असं या चर्चेतून निष्पन्न झालेला आहे कॅमेरा पर्सन मंथनसोबत मी सुदीप घोलप पालिका प्रशासन नवी मुंबई